हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टार डिजिटल क्लासेस। आज हम दो प्रपोजिशन और लेते हैं। प्रपोजिशन तो एक ही लेंगे, लेकिन दोनों को मैं साथ में समझा देता हूँ, क्योंकि दोनों का मीन सेम है। और अक्सर आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो कि सर ड्यूरिंग, हमारा आज का प्रपोजिशन होगा ड्यूरिंग और उसके साथ में हम लेंगे व्हाइल, दोनों का मतलब होता है के दौरान। अब दोनों को यूज कैसे करते हैं, ठीक है? और दोनों का मतलब सेम होने के, व्हाइल का मतलब भी के दौरान होता है और ड्यूरिंग का मतलब भी के दौरान होता है, लेकिन दोनों को यूज कहां करते हैं, आइए फर्क जानते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं, क्या होता है स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर व्हाइल कहां लगता है और ड्यूरिंग कहां लगता है। और जहां पे ड्यूरिंग लगने की जगह आप व्हाइल का यूज कर देते हो और व्हाइल लगाने की जगह आप ड्यूरिंग का यूज कर देते हो, तो वो गलत कर जाता है, ठीक है? तो आज हम थोड़ा सा सीखते हैं व्हाइल का यूज और ड्यूरिंग का यूज, कैसे हुआ, कहां व्हाइल का यूज होता है, कहां ड्यूरिंग का यूज होता है। तो हम पहले लेते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग, तो ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब क्या हो गया, के दौरान। और व्हाइल, एक दूसरा होता है व्हाइल, व्हाइल का मतलब भी के दौरान। के दौरान, सिर्फ के दौरान तो आपने बता दिया के दौरान होता है, लेकिन के दौरान का मतलब क्या होता है? तो के दौरान का मतलब मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो कोई टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड हो या फिर कुछ भी हो, है ना, उस टाइम पीरियड में कुछ भी एक्शन हो सकता है। मान लो यहां से कोई भी एक्शन है, एक्शन में कुछ भी आ सकता है, कार्य है ना, एक्शन यानी कुछ भी कार्य हो सकता है ना। अब कार्य के अंदर, लेकिन वो कार्य किसमें है, जैसे इस कार्य के दौरान अगर कोई कार्य हुआ है, इस कार्य के दौरान, इस कार्य के दौरान मान लो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कुछ भी हुआ है इस कार्य के दौरान, कुछ भी हुआ है, तो वहां पे वो दौरान हो गया। दौरान मतलब उस दरमियान, उसके बीच में, यानी कि बीच में, दरमियान, दौरान, कुछ भी बोल दो ना, उसका मतलब होता है ड्यूरिंग। यानी कि कोई कार्य करते समय अगर कुछ भी काम दूसरा कर रहे हो तो वहां पे आप ड्यूरिंग का यूज करोगे, के दौरान। लेकिन अलग, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, व्हाइल का मतलब के दौरान, तो अंतर क्या है, आइए अंतर देखते हैं, आइए अंतर समझते हैं, अंतर क्या है। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यू शुड नॉट यूज मोबाइल फोन ड्यूरिंग द क्लास। यू शुड नॉट यूज मोबाइल फोन ड्यूरिंग द क्लास, यानी कि क्लास के दौरान, यहां पर ड्यूरिंग आ गया, क्लास आ गया, यानी क्लास के दौरान आपको मोबाइल फोन का यूज नहीं करना है। बार बार आप जब हॉस्पिटल में जाते हो, आप कहीं भी जाते हो, मतलब वहां पे लिखा होता है कि इसके दौरान आप ये नहीं कर सकते हो, आपको अलाउ नहीं है। यानी कि जैसे आप मान लो यात्रा करने के जाते हो, तो वहां पे बोलते हैं ना, आप वहां पे बहुत बार लिखा होता है कि यात्रा के दौरान आपको मतलब इधर उधर छेड़खानी करना, जैसे ट्रेन के डिब्बों की छेड़खानी करना, या सावधानी बरतनी चाहिए यात्रा के दौरान। तो वहां पे आपको हमेशा किसका यूज मिलता है, ड्यूरिंग का यूज मिलता है, ठीक है? तो वहां पे ड्यूरिंग का मतलब हो गया के दौरान। अब जैसे मान लो आप, एक चीज इसमें अंतर समझना है अपने को ना, दोनों का मतलब के दौरान होता है और अंतर समझना है, अंतर क्या कहता है, ठीक है? तो अब देखते हैं हम लोग, जैसे मैंने बोला कि ड्यूरिंग माय इंटरव्यू आई डिड नॉट टॉक अबाउट माई सेल्फ। यानी ड्यूरिंग माय इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के, मेरे इंटरव्यू के दौरान आई डिड नॉट टॉक, मैंने बिल्कुल बात नहीं की अबाउट माई सेल्फ, यानी कि मेरे बारे में, यानी कि मेरे बारे में मेरे इंटरव्यू के दौरान मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की। तो यहां पे देखो एक चीज ध्यान रखना कि ड्यूरिंग के साथ में हमेशा क्या आ रही है, यहाँ पे वर्ब नहीं आ रही है। कोई एक्शन तो आ रहा है, लेकिन वो एक्शन हुआ है, यानी कि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग फॉर्म में नहीं है। तो वहां पे आप ड्यूरिंग, यानी यहाँ पे वर्ब ना आके कोई नाउन आएगी या कोई एडजेक्टिव, एडवर्ब, कुछ भी आ सकता है, लेकिन कोई वर्ब नहीं आएगी, तो वहां पे आप इसका यूज करोगे, ड्यूरिंग का यूज करोगे। यानी कि ड्यूरिंग
द पार्टी ड्यूरिंग द पार्टी आई डिड ईट सम स्पेशल, यानी कि पार्टी के दौरान मैंने कुछ स्पेशल खाया। तो वहां पे आप मतलब कुछ भी ना दौरान के सेंस में ड्यूरिंग का यूज कर सकते हो। अब वाइल का यूज कहां होता है, वाइल का यूज देखते हैं। अब ये तो है हमारा ड्यूरिंग, अब वाइल में थोड़ा सा इतना सा देखना कि वाइल के अंदर क्या होगा। वाइल जहां लगेगा तब उसमें एक्शन जो होगा, एक्शन एक तो आईएनजी फॉर्म में होगा, कौन सी फॉर्म में, आईएनजी यानी कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग में होगा, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो एक्शन होगा वो किसमें होगा, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के अंदर होगा। अब इसके अंदर आपको पता है कि आईएनजी फॉर्म आएगी। अब देखो वाइल के अंदर क्या होगा, ये आपने नोट कर लिया, आपने पेन और कॉपी में, हमेशा बोलता हूं कि अपनी पेन और कॉपी साथ में रखिएगा जिससे आपको हर चीजें समझने का मतलब बिल्कुल मौका मिल जाए, और दोबारा आप वीडियो को जब देखोगे तब आपके सारे कंसेप्ट जो है एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, आज देखते हैं हम इसका वाइल का। अब ड्यूरिंग आपको समझ में आ गया तो वाइल देखते हैं, वाइल में समझा देता हूं। यहाँ पे वाइल का मतलब भी के दौरान होता है, लेकिन के दौरान कैसे, जैसे वाइल जब दो एक्शन होंगे, यहाँ पे देखो दो एक्शन होगी, यानी कि यहाँ पे भी वर्ब होगी और यहाँ पे भी क्या होगी आपके वर्ब होगी, यहाँ पे भी वर्ब होगी, यहाँ पे भी वर्ब होगी। और ये किससे जुड़ा होगा, दौरान के लिए आप वाइल से जोड़ोगे इसको। कैसे, जैसे वाइल ईटिंग फूड आई वॉज नॉट Talking to other. While eating food, यानी खाना खाते समय I was not talking to other. मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, खाना खाते समय मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। तो अब वहां पे while का use, जैसे और भी example, जैसे while driving you should not use your phone, mobile phone, ठीक है। जैसे आप है ना, आप इसका मतलब दो वर्ब जब आपके पास हो तो आप while का यूज कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं, मैं जब रोड से गुजर रहा था तो मतलब है ना, जब मैं रोड से गुजर रहा था तो बरसात वहां पे हो रही थी, तो while I was crossing the road, जब मैं रोड को क्रॉस कर रहा था तब वहां पे क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी, तो it was raining there। तो आप while का यूज के दौरान के सेंस में दो वर्बों को जोड़ने, मतलब दो वर्बों के कंटिन्यूअस फॉर्म को और बोलते समय दौरान के सेंस में लगा सकते हो। दौरान यानी कि इसका भी दौरान, इसका भी दौरान। तो अब आपको समझ में आ गया इसका। देखो अब देखो, यहां पे मैंने बोला था ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द क्लास, है ना, जैसे ड्यूरिंग द पार्टी, ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट, तो इसमें कोई वर्ब नहीं आ रही है, मैन इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कोई वर्ब नहीं आ रही है, इसमें जो है एक्टिव चीज है वो एक ही है। और क्या बता रहा है, ड्यूरिंग द पार्टी या ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट, है ना, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द कुछ भी, है ना, ड्यूरिंग द ना। तो वाइल से बनेगा, जो किससे बनेगा, दो वर्ब आपके पास में होगी। वाइल ईटिंग फूड, यानी कि खाना खाते समय आई वॉज नॉट टॉकिंग टू अदर, यानी कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। तो अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट भी लगा सकते हो, वाइल आई वॉज ईटिंग फूड। अब यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे इसी का ये काम कर रहा है, जो आई है ये इसी का काम कर रहा है, इसीलिए मैंने वाइल के साथ में आईएनजी का ये सब्जेक्ट का यूज नहीं किया। तो इतना आपको समझ में आ गया। और वाइल से आप बहुत सारे और भी सेंटेंस बना सकते हो। और एक चीज और, वाइल जब हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे तब भी वाइल आएगा, तब मैं आपको वहां पे और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। लेकिन अभी देखो यहाँ पे मैं ड्यूरिंग और वाइल, हमारा प्रपोजिशन आज है ड्यूरिंग, लेकिन मैं इसका क्या किया, मैंने वाइल को समझाने के लिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस पता करने के लिए, इनमें क्या अंतर है, कहाँ वाइल लगता है, कहाँ ड्यूरिंग लगता है, इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ में रख दिया और आपको अच्छी तरीके से बता दिया। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस एक लास्ट बार और बता देता हूँ कि ड्यूरिंग जो है वो के दौरान, यानी कि आपको इसमें कोई नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ भी मिल सकता है, लेकिन वर्ब नहीं मिलेगी। इसके
इसके अंदर क्या मिलेगा, वाइल क्या, वाइल के साथ में देखो एक्शन होगा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वाली वर्ब होगी, यानी वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगी, यानी जो एक्शन होगा वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग होगा, और हमारे पास दो वर्ब हो सकती है, एक भी वर्ब हो सकती है, लेकिन क्या होगा जो कार्य होगा वो क्या होगा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग होगा, यानी कि जो सेंटेंस बनेगा वो कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा, यानी कोई से भी कंटिन्यूअस टेंस में बन सकता है। चलो ठीक है, ये आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और समझ में आ गया आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी उम्मीद मिले और मैं भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो या बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं आपके लिए निकाल के लाऊं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।